जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो को पविधाता वचन प्रतीतन जाई गुरु के वचन प्रतीतन जाई सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय। क्या नैना झमकावे ठगनिया क्या नैना झमकावे कबीरा तेरे हाथ न आवे ठगनिया क्या नैना झमकावे। रूपा पहन के रूप दिखावे सोन पहन चमकावे गले डाल तुलसी की माला तीन लोक भरमावे ठगनिया क्या नैना चमकावे। कबीरा तेरे हाथ न आवे ठगनिया क्या नैना चमकावे। गद्दू काट मृदंग बनाया नींबू काट मजीरा पांच तुरैया मंगल गावे नाचत बालम कीरा ठगनिया क्या नैना झमकावे। उल्टा चिल्ली देत पैतरा कौआ तीर चलावे पेड़ चढ़ मछली फल खावे बकुला भोग लगावे ठगनिया क्या नैना झमकावे। वैश्वद मणि चूहायासिक मेढक ताल लगावे छतुरी चढ़ के मकड़ी नाचे झिंगुर बंध लगावे ठगनिया क्या नैना झमकावे। कबीरा तेरे हाथ न आवे ठगनिया क्या नैना झमकावे। चुलना पहन के गदहा नाचे ऊंट विषण पद गावे कहत कबीर सुनो भाई साधो सदगुरु शरण बचावे ठगनिया क्या नैना झमकावे। हो कबीरा तेरे हाथ न आवे ठगनिया क्या नैना चमकावे। माया महा ठगनी हम जाए माया महा ठगनी केशों के कमला हुए बैठी शिव के भवन भवानी और पंडा के मूरत हुए बैठी तीर्थ में भई पानी माया महा ठगनी हम जाए। माया ने देखा कि मंदिरों में श्रद्धा है तो वहां ढोंग बन के बैठ गई गुरुओं से कल्याण है तो गुरुओं की कतार लग गई।
माया सब जगह हाजिर, और ये केवल धोखा देके इन भोली भाली श्रद्धालु आत्माओं को घसीट के उन्हें अपने चक्कर में घुमा देती है, एक राउंड 84 का और लगवा देती है महाठगनी। और एक स्थान पर कहते हैं, हरी ठग ठगत ठगोरी लाई, हरी ठग ठगत ठगोरी लाई, और हरी के वियोग कस जियो हुरे भाई। हरी सबसे बड़ा ठग है, जहां कोई भजन चिंतन में आगे उतरा तो अपने भक्त की परीक्षा के लिए ठगोरी को आदेश दे देते हैं, चल पता लगा बेटा कितने पानी में है। क्यों, ये माया कोई अलग से हैसियत नहीं रखती, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति दोनों नारी संज्ञा है। पुनी रघुवीर भगति प्यारी, माया खल नर तकी बिचारी। भगवान को भक्ति प्यारी है, माया तो नाचने वाली नटी मात्र है, लेकिन है दोनों भगवान की ही। ये बेशक ठगने के लिए है माया, लेकिन है तो भगवान की ही। कभी कभी भगवान खुद ही आदेश दे देते हैं कि जा जरा परीक्षा तो ले कितने पानी में है। तो हरी ठग ठगत ठगोरी लाई, अर्थात साधु को ये नहीं घबराना चाहिए कि ये लोभ आया कि मोह आया, राग आया कि द्वेष आया, संग दोष आया कि सुविधा आई। ये भगवान की भेजा हुआ स्वत यंत्र है। दूसरा समझो ही ना तो जल्दी पार पा जाओ, और जहां पराया समझोगे तो तुरंत द्वेष खड़ा हो जाएगा। इस माया के प्रपंच के ऊपर कबीर के बहुत से पद हैं। एक पद है लूटल बाजार, रमैया तोर दुल्हिन लूटल बाजार। ये भगवान आपकी इस माया ने बना बनाया मार्केट लूट लिया, सिंगी की भिंगी कर डारी, पारा सर के उधर बिदार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। सिंगी ऋषि की बनी आई थी मार्केट, तो शिंगी की भिंगी कर डारी, पाराशर के उदर विदार का, रमैया तोर दुल्हिन लूटल बजार। किसको लूटा, सुरपुर लूटी नागपुर लूटा, तीन लोक मची हाहाकार, रमैया तोरी दुल्हन लूटल बजार। सिंगी की भिंगी करी डारी, पारासर के उदर विदार, रमैया तोर दुल्हन लूटल बजार। कनफुका चिद काशी लूटे, लूटल योगेश्वर करत विचार, रमैया तोर दुल्हन लूटल बजार। हम तो बच गए साहब कृपा से, साहब माने सदगुरु, तो हम तो बच गए सदगुरु कृपा से, शब्द डोर गई उतरल पार, रमैया तोर दुल्हन लूटल बजार। शब्द की डोरी पकड़कर पार उतर गए, महापुरुष का वाणी उपदेश होता है शब्द। वे उपदेश वाणी से तभी तक देते हैं जब तक हृदय से नहीं जागृत हो गए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े नहीं हो गए। जहां आत्मा से उपदेश देने लगे तो वाणी से केवल चार छयाने, बाकी सब उपदेश हृदय से ही देते जाएंगे। साधक समझता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा,
वो जो शब्द मिलता है उसकी डोरी पकड़ो, शब्द में लो लगाओ, सूरत की डोरी शब्द से जोड़ दो, पार हो जाओ। ये भगवत पथ ऐसा नहीं, ऐसा कर लो ध्यान लग गया, ऐसा कर लो समाधि, ये हो गया केवली, कुछ नहीं। जब मन बस हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु बन जाए, प्रेरक के रूप में स्वयं भगवान खड़े हो जाए, रोकथाम करें, साधक की सार संभार करें, तभी आयुक्त मन बस में होता है। अन्यथा साधक पता ही नहीं पाता कि कब माया काम कर रही है और कब साधना के पथ पर हूं, वो अलग ही नहीं कर पाएगा। मन का सोचा विकल्प होता है, बुद्धि का निर्णय किया एक तर्क होता है, भगवान अतर्क के, वो इनके द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए जब जिस सत्ता की हमें चाह वो प्रभु आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाए और हम जिस सत्य पर खड़े हैं वो उतर आए और अंतःकरण से अपना मार्गदर्शन करने लगे, फिर साधक के जीवन में कोई संदेह नहीं है। केवल आज्ञा पालन करो, शब्द से सूरत की डोरी को जोड़ लो, शब्द डोर गही उतरे पार, और रमैया तोर दुलहिन लूटल बाजार। बहुत से महापुरुष ऐसे थे जिनकी बाजार बनी हुई थी, जैसे श्रृंगी ऋषि। एक भगवत पथ में आप कुलीन माता पिता से जन्मे हो, वेद वाक्यों से मंत्र उच्चारण पूर्वक ब्याह हुआ था तब जन्म हुआ है कि वही फ्री फंड में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो हमारी मर्यादाएं हैं, ये हमारी गौरव गाथाएं हैं। शादी विवाह हमारी संस्कृति है, पावन, इसका पालन होना चाहिए, लेकिन ईश्वर के पथ में ये संस्कृति नहीं लगती। मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे घनघोर जंगल में, पापा से रास्ता था, राह के किनारे एक शिशु मिल गया, मृगों के झुंड के बीच में पड़ा चेपू चेपू कर रहा था। मांडव ऋषि की निगाह पड़ी, उठा लाए, पालने लगे, बड़ा बढ़िया विकास होने लगा उसका, शरीर का भी बुद्धि का भी। जो मांडव ऋषि बोले सब सूत्र तुरंत कंठस्थ कर लिए। मांडव ऋषि बहुत खुश हुए, बोले इसको मैं भगवान बना के दम लूंगा। लग गए उसकी साधना के विकास में, उम्र हो गई करीब 30 वर्ष। अब उन्हें प्राप्ति होना मात्र शेष था, बाकी साधना करीब पहुंच चली है। हमने कहा ना कि भगवान परीक्षा सूत्र भेजा करते हैं, परीक्षा की घड़ी आने लगी। मांडव ऋषि समझते थे कि अब खतरा मंडरा रहा है, बोले देखो अतिथि सत्कार करना, कभी भूल के भी अपने लाइन के बाहर पांव मत रखना, न देखना न सुनना। मैं जा रहा हूं, 3 दिन यज्ञ है, रोज जाऊंगा, संभल के रहना। और उधर एक घटना घट गई, काशी में 12 वर्ष से अकाल पड़ा हुआ था, ज्योतिषाचार्यों ने एक तरीका बताया कि राजन श्रृंगीय ऋषि रहते हैं वन में, यदि उनका चरण पड़ जाए काशी में तो वर्षा होगी। तो उनको लाने के लिए बड़े प्रयत्न हो चुके थे पहले, असफल। मांडव ऋषि ने कहा बच्चा कहीं नहीं जाए। तब बोले भाई जनता मर रही है भूख से, कोई तो उपाय करो। बोले और कोई उपाय नहीं। तब एक पतुरिया ने बीड़ा स्वीकार किया कि मैं लाऊंगी राजन, हमें पूरी व्यवस्था दो। तो 2 बड़ी नावों में संत बन के नकली जटा लटका के दाढ़ियों लटका दिया बैठ गई अधेड़ पतुरिया, और 15-16 थो नई लौंडिया ब्रह्मचारी बना के कमंडल पकड़ा के माला हाथ में साथ ले लिया। अब शिष्य मंडली के साथ जब वहां पहुंची तब देखा कि मांडव ऋषि कुटिया में नहीं है। तब एक पथुरिया को भेजा, जाओ योजना समझा कर
जहां वो ब्रह्मचारी के वेश में पहुंची, श्रृंगेरी से उठ के खड़े हो गए। भगवान, ब्रह्मचारी किधर से आगमन हुआ? बोले, मैं काशी से आ रहा हूं, हम काशी के ब्रह्मचारी हैं। बोले, लीजिए अर्ध्य पाद्य चटाई बिछा दिया, जहां फल फूल ला के रखा तो थोड़ा मुंह में डाला और उसने मुंह बिचका लिया। बोले, ये कैसा फल? हमारे वहां तो बड़े मधुर फल होते हैं, देखो कुछ हमारी होगी हमारे कमंडल में, निकाल के पकड़ा दिया एक रसगुल्ला। बस जहां मुंह में डाला सिंगी ऋषि ने तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे ताकते रह गए। बोले, अरे इतना मधुर फल अब तक उन्होंने कभी मीठा नहीं देखा था। जंगल महापुरुषों को कोई इच्छाएं नहीं होती, बाल्यकाल से आप जैसी खान पान में पल जाओगे वही वृत्ति बन जाती है। तो बोले कि भगवान ये फल? बोले, हाँ हमारे वहां फलते हैं। समझ गए कि बहुत भोले भाले हैं, बातें चीते किया चली गई। शाम को जब गुरुदेव पधारे तो बोले, अरे तू कैसे, तुम उचटा उचटा चित है तुम्हारा, धुना गड़बड़ है, सफाई भी कायदे से नहीं है, तुम्हें हो क्या गया आज? बोले, अरे गुरु महाराज क्षमा करें, अभी अभी हमने विदा कर दिया, नहीं तो आप दर्शन पाए जाते। काशी से एक ब्रह्मचारी आए, इतने सुगड़ रहे गुरु महाराज की मन करे देखते रह जाए। बोले, और क्या रूप रंग था? बोले, छतिया थोड़ी ऊंची ऊंची रही, दढ़िया रहबे नहीं किया। बोले, अरे ससुरा वो रही है ताड़का, सुपनखा रही है, ब्रह्मचारी नहीं, भेष बदल के आई है तुम्हें ठगने, कल आवे तो सनसों से उससे बात मत करना, बल्कि मार के भगा देना सनसों से। दूसरे दिन आई तब श्रृंगी ऋषि नहीं बोली, वो आज्ञाकारी सेवक ठहरा ने गुरु महाराज का, नहीं बोला। तब उसने पैंतरा भजना शुरू किया। भगवान आज हो क्या गया आपको? ओ मैं समझ रहा हूं, आप सोचते हैं मैं पतित हो जाऊंगा, भला आप ऐसा तपोधन, माया आपका क्या कर लेगी? तो भीतर से तो बोलने का मन रहा, तो बोले, हां माया मेरा कुछ नहीं कर सकती। और फिर खूब बतियाए दिन भर, और फिर देखा कि मांडव ऋषि के आने का समय हो रहा, तो संध्या निकल गई अपने नाव पर। इधर जो दिन भर की सेवा थी एक घंटे में निपटा दिया सिंगी ऋषि ने, हर साइड से एकदम डेकोरेट आश्रम। तो गुरु महाराज थके थके आए और आसन पे बैठ गए, सफाई अफाई टिप टाप देखा, तो सोचा कि ठीक है कल तो उपदेश दिया, अब रोज रोज कौन खोपड़ी खाए, ठीक है बताया तो था, कुछ पूछा ही। तीसरे दिन सुबह आई वो, तो बोले, भगवान हमारे गुरुदेव पधारे हुए नाव से, यहाँ पास ही में नाव लगी है। बोले, आपके गुरुदेव तो बड़े महान होंगे। बोले, चले केवल एक प्रणाम ले गई, तो सब पतुरिया स्वस्ति वाचन सीख के आई रही पंडितन से, खूब उन सिंगी ऋषि का स्वागत किया। और वो जो महंत जी रही वो अधेड़ वो शांत बैठी रह गई। सिंगी ऋषि नमन करने को हुए तो बोले, आप ऐसे तपोधन को नमन करने क्या जरूरत है, एक ही स्वरूप है भगवान विराजे। और फिर कबो इमरती पकड़ाए दे, कबो जलेबी पकड़ाए दे, फिर वो दूसरी नाव में झूठ मूठ के पेड़ गाड़ रखे थे, उनमें कुछ मिठाइयां कुछ मेवे टांग रखे थे। बोले, भगवान इस फल को तोड़िए, इस फल को तोड़िए, और नाव स्टार्ट हो गई। उस जमाने में गंगा में ही नहरें नहीं बनी थी, गंगा में बड़ा करंट रहता था बारह महीना, तो संध्या नाव चलती ही रह गई, ये फल वो फल। इतने में आ गया बनारस, यहां अपार भीड़ उनकी प्रतीक्षा में खड़ी थी, जहां सिंगी ऋषि ने नाव के नीचे पांव रखा,
सचमुच बादल घिराए, पानी भी बरसा। इतना खुश हुआ राजा की बोले, पूरा खजाना खर्च कर दिया लेकिन मैं इस जनता का उपाय नहीं कर सका, पानी नहीं बरसा सका। ये महापुरुष इतने महान कि चरण पड़ते ही पानी बरस गया, मैं इनकी क्या सेवा करूं। सोच विचार के एकमात्र कन्या थी वो चरणों में गिरा दिया, बोले भगवान हमने ये अर्पण कर दिया। बोले ये कौन संत है? बोले संत नहीं, सेविका। बोले सेविका क्या होता? बोले बाकी यह पढ़ाई आपके, आप जाओ। तो शिंगी की भिंगी कर डारी, पारा सर के उधर बिदार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, बनी बनाई बात बना बाजार चौपट हो गया। केवल प्राप्ति होना शेष था सिंगी ऋषि को, लेकिन माया एक चकमा देके ले तो गई। माया के कई हिस्से हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, लेकिन एक स्तर ऐसा आता है संतों में, भगवत पथ में एक सीढ़ी श्रेणी ऐसी आती है, तो हम माया कितना चक्कर मारे कुछ नहीं कर सकते। पहले मीरा बिलखती थी, रोती थी, और रात दिन प्रार्थना कर रही थी, और उधर से भयंकर उपद्रव चल रहा था राज परिवार की ओर से। एक दिन भगवान का जब संबल पा गई मीरा हृदय में, तब फिर मीरा बड़े उत्साह से खड़ी हो गई और राणा से स्पष्ट बात किया कि राणो जी मैं तो गिरधर रंगवां राती, औरों के पिया परदेश वसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, हमारे पिया मोरे ही में बसत हैं, नहीं कहूं जाति में आती। राणो जी मैं तो उस गिरिधर के रंग में रंग गई, सबके पिया परदेश भेज बसते हैं, चिट्ठी पत्री से संपर्क स्थापित करते हैं, और हमारे पिया हमारे हृदय के अंदर निवास करते हैं, हमें न कहीं जाना है न आना। अब तक जो उपद्रव किया क्षम्य था, किंतु राणो जी अब कहीं चक्कर में न पड़ जाना। मैं तो क्षमा कर दूंगी लेकिन भगवान ही नहीं क्षमा करेंगे। जो माया इतनी प्रचंड है उसी को ललकार के खड़ी हो गई मीरा। तुलसीदास जी पेड़ पौधों से प्रार्थना कर रहे थे। तुलसीदास की आंखों में आंसू, हृदय में ठाकुर जी कुछ दिन घूमे। प्रभु अपने चरणों में मन को मछली बनाकर प्रेम के चारे से चिपका दें, प्रभु मैं दूसरी मन दूसरा संकल्प ही न करें, ऐसी कृपा करें। मैं भाग जाता हूं तो ये शत्रु काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, आशाएं तृष्णाएं वासनाएं, ये इच्छाओं का भूत हमारे पीछे पीछे चढ़ के चला जाता है। मैं जाता हूं पैदल, वो मस्तिष्क में सवार होके चलते हैं सब, और जहां एकांत में जाके भजन में बैठता हूं तो ये विकार सब अपनी गठड़ी खोल के पहले ही से रख देते हैं। फिर वही संकल्प, फिर वही चिंतन, फिर वही विकारों का क्रम। प्रभु इसलिए अपने मन मेरे मन को अपने चरणों में प्रेम के चारे से चिपका लें प्रभु, इस ढंग से फिर कभी भी लग लें। तुलसी रात दिन स्तुति कर रहा है, विनय में ही उसका जीवन बीतता था। एक दिन वो भी ललकार के खड़ा हो गया कि मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांध न सकहि मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। रे संसार हमने अब तुझे जान लिया, अब तू मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मुझे हरि का बल प्राप्त हुआ है। तू प्रत्यक्ष में सचमुच एक कपट का आगार है ना माया महाठगनी, ठगना और कपट एक ही में हुआ। और जो कदरी तर मद निहारत कबहुन निकषत सार, केले के वृक्ष में छीलो तो छिलका फिर छिलका फिर छिलका, ठोस लकड़ी कभी नहीं मिलेगी। ऐसे रेशन सार तू ऊपर से चिकना चिकना है केले के पेड़ की तरह, ज्यों ज्यों छीलो त्यों त्यों छिलका, भीतर कोई सार तत्व नहीं होता, न स्वर
मैंने तुमको जान लिया, अब तू मुझे नहीं बांध सकता, क्यों कि मुझे हरि का बल प्राप्त हो गया। अंगद को हरि का बल प्राप्त हुआ। रावण की सभा में अकेला अंगद, हृदय में जहां उनको अनुभूति का संचार मिला, दृश्य दिखाई पड़ा, तो राम प्रताप समुझी कपि कोपा, सभा माजपन कर पद रोपा, जो मम चरण सकसि सट तारी, फिर ही राम सीता में हारी। प्रण करके पद रोप दिया, जो मेरे चरण को हिला भर देगा, जहां है वहां से थोड़ा सरका देगा, राम लौट जाएंगे, सीता में हार गया, सीता तुम्हारी हुई रावण। बस बहुत राक्षस उठे, मेघनाथ उठा। मेघनाथ अपनी शानी का सर्वोपरि था, उससे बलवान रावण की सभा में कोई नहीं था, तो मेघनाथ के समान कोटि शत योद्धा उठे हर्षाई, 100 करोड़ 1 अरब योद्धा उठे, भूमि निछाड़त कपि चरण बैठ सकल सिर नाई। क्या कोई बंदर की टंगड़ी थी? ये योगी का अनुराग ही अंगद है। अनुराग पूरी की चित्त से जब भगवान की हृदय में सहायता मिल जाती है, अनुराग पूरित आज आपका भजन मन नहीं लगता, कोशिश करते मन लगता ही नहीं, किंतु भगवान की प्रेरणा चलती रहती है। एक इस तरह ऐसा आता कि अनुराग पूरी हृदय से जब हम लग जाते हैं तो चरण हृदय में आ भी जाते हैं, चरण हृदय में स्थायित्व तो ले लेते हैं। फिर काम रूपी मेघनाथ, काममयी करोड़ों प्रवृत्तियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती, क्यों? उसे हरि का बल पीछे से प्राप्त। क्रोध रूपी कुंभकर्ण, लोभ रूपी नारांतक, अहंकार रूपी अहिरावण, मोह रूपी रावण, कोई एक तिल भर नहीं हटा सकती। आज आपका मन नहीं लगता भजन में, उसका कारण है अनुराग का अभाव, कमी है। अनुराग की भी जब वो स्थिति आ जाती जब हृदय में भगवान अपना बल प्रदान कर दे, अपना वरद हस्त रख दे, बस फिर कोई सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं जो उसे विचलित कर दे। तो तुलसी बोले, अरे संसार, तू सचमुच कपट का एक निवार अखाड़ा है, अब तू मुझे नहीं बांध सकता। तुलसी वो कायर बुजदिल रात दिन प्रार्थना करने वाला तुलसी आज ललकार के खड़ा हो गया। भगवत पथ में एक इस तरह आता है जहां पर फिर माया खल नर्तकी बिचारी, वो नाचने वाली नटी मात्र है, करी न सके ता निज प्रभुताई, उस भक्त के ऊपर वो प्रभुता नहीं जता सकती जिस भक्त के ऊपर भगवान का वरद हस्त है। पूज्य महाराज जी कहें हो, हम चाहे कि पतित हो जाएं, हम हो ही नहीं सकेंगे, भगवान मौके को खे न देंगे, भगवान मुझे होने ही नहीं देंगे, चाह कर भी नहीं हो सकते। यह है वरद हस्त, ये प्रभु का प्रताप, तुलसी को मिला तो वो भी ललकार के खड़े हो गए। ठीक इसी स्तर का ये भजन है कि रे ठगनी क्या नैना चमकावे, अब क्या आंखें तरेरती है, अब क्या दृष्टिपात करती है, कभी तुम्हारे चंगुल में फंसने वाला नहीं, फिर तू है क्या, तू कैसे कैसे हमला करती है। तो रूपा पहन के रूप दिखावे, सोन पहन चमकावे, पहले कामिनी और कंचन, भगवत पद की दो बाधा। कामिनी में तो आ जाती संपूर्ण कामनाएं, और कंचन में आ जाता सौंदर्य विभूति माया की। तो पहले तो तू रूपा सोना और इसका आवरण सामने खड़ा करती है, पहनना मतलब उसको धारण करना, सीता के पास कोई कमी नहीं थी,
जनक ने वो दहेज दिया जो विधाता के घर में नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवध, जंगल में एक मिर्गा दिखाई पड़ा तो झूम गई, बोले राम देखो ना, खुर सोने के, सींग सोने के, चमड़ा सोने के, भगवान ने देखा कि अब तो ये सोने के पीछे पड़ गई, हमको भी भूल गई, आदेश देने लगी, कृपा करके सोने की गढ़ी में भेज दिया। बोले ले भोग सोना, रोने को आंसू नहीं मिला, एक एक दिन काटे नहीं कटा, भला ये जड़ पदार्थों में कहां सुख। तो माया पहला आवरण डालती है वस्तु का, तो रूपा पहन के रूप दिखावे, सोना पहन चमकावे। पहले वो रूपा पहन के सोने का आभूषण पहन के सामने आएगी, चमकाएगी, इधर देखो बाबा जी, और इतने ऊपर बेटा नहीं फंसे, तो गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भर मावे ठगनिया, क्या नैना चमकावी। तब फिर माया दूसरा पैंतरा बदल देगी, गले में तुलसी की माला डाल देगी पतली सी, पतला सा तिलक लगा देगी, हाथ में कमंडल ले लेगी और बस भ्रमण करती हुई चली आएगी, एक एक शब्द पर आंसू बहने लगेंगे। अयोध्या में ये कांड बहुत होता है, चित्रकूट में भी महाराज के सामने ये घटनाएं आई थी। एक समय एक कन्या, छह भाई थे, छहों के ब्याह हो गया बढ़िया भले घर में, और उसको कोई वर पसंद ही नहीं कर रहा था, वो थोड़ी सांवली थी, सारे गुण थे, विधाता ने रंग ही हल्का दिया, बीए पास, वो भी दर्शन शास्त्र से। तो भौजाइयां ने मिलके एक बार विनोद में ताना मार दिया, बोले भाई जी ने ऐसा रूप स्वरूप धारण करके अवतार लिया है, कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। एकलौती बहन बड़ा दुलार होता है, वो दुलार तो था ही, तहस में आ गई, बोले देखो ऐसा पति लाऊंगी तुम्हारे पतियों के उठा के पटक के चढ़ बैठे, और जो ज्ञानी हो, गुणी हो। और निकल गई, घर वाले भाइयों ने बहुत खोजा, मिली नहीं, वो पहुंची सीधी अयोध्या, वहां सर्वत्र महात्माओं का निरीक्षण करती रही, शास्त्रार्थ छेड़ती रही, पहुंच गई वृंदावन चित्रकूट। चित्रकूट में तीन दिन से तहलका मचा हुआ था, रोज अंसुईया में कोई न कोई खबर दे दे, बोले महाराज जी एक ऐसी बाई जी आई है, साधु महात्मा कुटिया का दरवाजा बंद कर देते हैं उसको देखते ही, उसके सामने कोई शास्त्रार्थ में टिक नहीं पा रहा है। महाराज कह हो एक भवानी आई है, भर्रो मचाए पड़ी हो, सब महात्मन के बिल्कुल ललकारे पड़ी है, वो मैं सुने हो कि आई है कौन, समय ब्रह्मचारी जी ही थे। महाराज के देख जाते तू फलाना फलाना सामान ले आ, देखी हेरे एक वहां पर भवानी तहलका मचाए है, बस चले गए। उस दिन वो शिरसा वन में एक बहुत अच्छे महात्मा थे, लंबे तड़ंगे 6.25 फीट हाइट, 15-16 उनके पास सेवक मोटे मोटे, उनसे उलझी हुई थी। बोले बताइए महाराज घर क्यों छोड़ा जाता है, जब भगवान तोमे मोमे खड़क खम में सब जगह है, तो ये घर छोड़ के कौन सी विशेषता ले लेते हैं आप लोग, कुछ न कुछ अटबट पूछे रहे हैं, वो बतावे, संघर्ष चलता रहा। इतने में पहुंच गए स्वामी जी, तो वो दूर से ही ललकारा, आइए ये घोर जंगल में रहते हैं, इनके गुरु महाराज बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष सिद्ध पुरुष हैं, बैठिए। तो वो ताका सा नीचे से ऊपर तक स्वामी जी को, गोरंगार तो थे ही, डिलडोल भी ठीक, तो बोले ठीक है मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दे।
तो जहाँ प्रश्न किया तो अब आश्रम के साधुओं के पास जानकारी तो पक्की होती है, भक्तों में आ जाती तो साधकों का क्या कहना। तो जहां प्रश्न किया तो 10 मिनट में स्वामी जी ने उत्तर दे दिया। तो बोले देखा आप लोग तो बेकार 2 घंटे से परेशान कर रहे थे, ये था समाधान, जो ये था उत्तर, मैं जिस फूल को ढूंढ रही थी पा गई। और मुंह से निकली तो गया बेचारी के, तो बोले बचिए स्वामी मन माना कछु तुम्हें ही निहारी, ताते अब लगी रही हूं कुंवारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, खोज रहे हूं लोक तिहू नाही, बचिए स्वामी फूल पा गई है। स्वामी जी लड़के ही तो थे, मारे संकोच में एकदम गड़ गए, बोले यार भागे कैसे, जब चले तो बोले हम भी चलेंगे साथ, परमहंस जी का दर्शन करूंगी। तो बोले देख हमारे साथ नहीं जा, नहीं तो बाबा काट के तोके नदिया में फेंक दे और हमारा भी जन्म भर के लिए पत्ता कट जाए आश्रम से, वो ऐसे साधारण बाबा नहीं है। तो बोले ठीक है मैं अकेली आऊंगी, संत दर्शन के लिए तो मना हो ही नहीं सकता। तो जब स्वामी जी निकल गए 1-2-3 बीघे, तब निकली चप्पल पहन के चश्मा लगा के, स्वामी जी ने घूम के देखा तो स्पीड बढ़ गई, इतने तेज गए सपाट कि उसे 1 घंटा पहले आश्रम पहुंच गए और सब कुछ बता दिया जो घटना घटी। बोले महाराज जी आ रही है, बोले आए दे ससुरी के देखा जाए। पहुंची महाराज जब कुछ उपदेश करें तो घुसगत घुसगत एकदम महाराज के करीब आ जाए आसन के, बोले भाग चुड़ैल कहीं की चढ़ी चली आवत है वहां बैठ। तो फिर कोने में बैठ जाए मुस्कुरा के, फिर कुछ पूछ ले टुन देना, और जब महाराज बतियावे लागे तो घुसगत 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 फिर करीब आ जाए, फिर डांटे, बड़ा तंग किया। और अपसुगन होने लगा, स्वामी जी को भी भली प्रकार, महाराज को भी अपसुगन हो, बोले इसको भगाया कैसे गया जाए ना। तो जब महाराज ने भगा दिया, खाना वाना बंद कर दिया, तो थोड़ी दूरी में एक मंदिर है अनसुईया का, उस टाइम आश्रम और अनसुईया मंदिर के बीच में जंगल था, तो उस मंदिर का पुजारी उसे रोटी दे दिया करे, वो बड़े सुबह हाजिर हो जाए। बोले करे भवानी कहाँ रही, बोले महाराज कृपा है गुरु महाराज की, बतावे ना। वो पुजारिया के ऊपर बातें बड़ी नीक लागे, वो 9 दिन रह गए। एक दिन रात्रि को महाराज लेटे हुए थे, महाराज के आसन के पीछे 4-5 इंच नीचे एक गड्ढा, कोठरी में आने जाने का रास्ता, उसी गड्ढे में पांव धर के लोग आने जाने, नीची जगह। तो रात को 12 बजे अनसुईया से आई और पीछे लेट गई। महाराज के आसन के पीछे जो जगह थी इतनी सी, उसमें लेट गई। यहां महाराज लेटे हैं, पीछे नीचे वो लेट गई। तुरंत महाराज को पता चल गया, बोले हैं भयंकर धड़कन हो रही सीने में, खतरा खतरा, क्या है कोई शेर आ गया क्या। तो टॉर्च उठा के देखा तो कहीं कुछ नहीं, फिर वो जो संकल्प विकल्प करती थी उसने बंद कर दिया। जब वो उठ के बैठ गया बंद हो गया संकल्प, तो अब सुगुन होना भी बंद हो गया। फिर लेट गई, फिर संकल्प विकल्प करने लगी, तो महाराज बोले हैं फिर धड़कन, बात क्या है, कोई सरप अरप तो रैंक के पीछे नहीं आ गया। तो देखा पीछे टॉर्च घुमा के, वो लेटी हुई थी। महाराज हंसे और उठ के खड़े हो गए, पहले तो दिगंबर ही रहते थे, लेकिन वहां आश्रम में पहुंचने पर बारीक मलमल वाला कपड़वा लोग जबरदस्ती आग्रह करके पहनाने लगे, तो लपेटे रहे एक टुकुआ कपड़ा, ये गांठी तक रहे तो आगे ऐसे झूला करे, हमारे गुरु महाराज के कपड़ा पहनने का कोनो सहुरे नहीं रहा ऐसे कहो ना। कुछ नहीं, जैसे लपेट लिया तैसे लपेट लिया, कब वो पीछे से इतना ऊपर रहा करे, आगे इतना लटका करे। तो टुकवा जो लपेटे रहे
खड़े हुए और टुकड़ा खोल के फेंक दिया। बोले देख मोरे माथे तुहार काम न चले, मैं सचों के साधु मोके भगवान साधु बनाए। और उठाए छड़ी चुड़ैल कहीं की हजार बार कहा कि जंगल से भाग जो, और जा तो बड़ी समझदार रही, सोचा कि मार तो पड़ गई, सन्न गया भागी। महाराज के देखो रे ससुरी चुड़ैल यहाँ आके पड़ी रही। सब लोग आए बोले अरे बड़ी लहगर है, था बड़े सवेरे फिर चली आई। बोले बस हमने अंतिम परीक्षा ले लिया, सच्चे महापुरुष के दर्शन हो गए, अब मैं नहीं जा सकती कहीं, मैं यहीं रह के भजन करूंगी और गुरु महाराज की सेवा करूंगी, मैं भी नग्न रहूंगी। बस इतने में आगे एक समरिया गांव से दोस्त सज्जन बोले यार एक ससु की पकड़ के ले जो, तो बड़े सम्मान के साथ वो दोनों ले गए गांव। पहले तो बिगड़ के डांट दिया उनको, किस्सा लंबा लेकिन कहा करियो किस्सा सुन के। ले गए गांव में, जहां पहुंची तो गांव भर की औरतें इकट्ठी होगी कि नौ दिन से महाराज जी के तंग करत रही, वह आई के है कैसन है, गांव भर जुट गया। बढ़िया उपदेश दिया, बोले महाराज भगवान ही वो ब्रह्मचारी जी बड़े अच्छे महापुरुष होंगे, वहां हमने बहुत भ्रमण किया, न ये विद्या देखी न ऐसी संतों की हमने कहीं रहनी देखा, तुम लोग भाग्यवान हो जो तुम लोगों का यहाँ जन्म हुआ, मेरा दुर्भाग्य कि मैं जा रही हूँ, गुरु महाराज का आदेश है कि घर ही में रह के बेटा भजन करो, तुम्हें मदद मिलेगी, उपदेश दिया और चली। लेकिन एक बाबा को ले गई फटकशिला से, महीना भर बाद वो चला आया, वो न ज्ञानी रहा न ध्यानी रहा, वैसे ही रहा। तो भैया गले डाल तुलसी की माला तीन लोक भ्रमण, यदि कोई रास्ता नहीं है इसीलिए संग से जति को मंत्र तेरा जाए। महाराज कहे हो हम अपने बहन के रहने की अनुमति दें, अपने माई के रखें, बिटिया के रहने की अनुमति दें, लोग क्या जाने, लोग तो यही कहेंगे कि बाबा मेरी आगे। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, हालांकि शुद्ध है निर्दोष है लेकिन लोक दृष्टि के विरोध में है तो न करनी है, नहीं करना चाहिए, इतने कड़े प्रतिबंध। इसीलिए वो पालन अब भी चल रहा है, यूं कहती हूं कोई गड़बड़ी नहीं। अगले पद में कहते हैं कि जब आके किसी तरीके से कामयाब ही हो गई माया, तब क्या होता है कि गद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा। गद्दू माने गो माने मन सहित इंद्रियें, इनका दमन इनका संयम, वो संयम तोड़ देती है माया, और फिर चाहे भजन में बैठे ही क्यों न रहो, मृदंग बजता रहता है, ये चाहिए वो योजना, तुरंत उस समय तरंग उठने लगती है। और जो नियम था प्रभु के चिंतन का, सने सने वो नियम घटने लगता है, टूटने लगता है, उस जब नियम बैठो तो टन टन कुछ आवाज आने लगती है, श्वास छूटेगी और संकल्प आएंगे विकारों के। तो गद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, पांच तुरैया अमंगल गावे। पांच तुरैया पांच ज्ञाने इंद्रिय, इनमें पूर्ण त्याग की जो स्थिति थी, रूप रस गंध शब्द जो बाहर देख रहा था, रूप हृदय में देख रहा था, बाहर शब्द सुन रहा था, हृदय में इष्ट की वाणी पर दृष्टि जमाए हुए था, ये बाहर से पूर्ण त्याग। तो पांचों ज्ञाने इंद्रियों में जो त्याग का संचार था, अब वो अब तक तो त्याग था किंतु जब माया ने छेड़ ही दिया तो इंद्रियों का संयम टूटा, वहां मृदंग बजने लगे, नियम था उसमें भी तंतन आवाजें आने लगी, तभी पांचों इंद्रियों में जो त्याग था, तुरैया इत्याग से संयुक्त थी,
पांच तुरैया मंगल गावे। ये पहले तो भजन कर रही थी, लेकिन अब ये जो हाँ संसार में ही आवाज देने लगती, अमंगल गायन करने लगती है, जिसमें अकल्याण है उसका चिंतन करने लगती है। जहां इंद्रियां बाहर को बहकी तो नाचे बालम खीरा। बालम माने भगवान, पिया प्रभु, उनके पर तू जो हमारा ख्याल था सीधी, वो ख्याल डगमगा जाता है, वहां से सूरत लड़खड़ा जाती है। रे ठगनी अब क्या दृष्टिपात करती है, कबीर तेरे हाथ आने वाला नहीं है। अगले पद में कहते हैं कि जब कामयाबी हो गई, भगवान के चरणों में सीधी ख्याल की डोरी लगी थी, वो लड़खड़ा गई। अब भगवान का स्वरूप पकड़ो और भागा, पकड़ो और भागा, नाचने लगा बालम का। भगवान के प्रति जो ख्याल था वो नाचने लगा, उसमें कंपन पैदा हो गया। तब उल्टा चिल्ली देत पैतरा कौवा तीर चलावे। जो चित्त ही चिलोर है, ये सीधा जो भजन में लगा हुआ था, उधर से पलट के पैंतरा देता है, संसार में कुछ वैभव विभूति ढूंढने लगता है। ये आश्रम बना लो तो ये महिमा फैल जाएगी, वो भगत चेता लो तो ये महिमा फैल जाएगी। उल्टा चिल्ली देत पैंतरा, तो भला क्यों कि कौवा तीर चलावे। कर्म ही कौवा है, यदि हम भजन में प्रवृत्त हैं तो कर्म तकदीर में कैसा भी कुसंस्कार हो वो कामयाब नहीं हो सकता, वो दबा रहेगा और चिंतन चलता रहेगा। आस्ते आस्ते वो संस्कार क्षीण होता चला जाएगा, स्तर उठता जाएगा। लेकिन जहां चित पलट के संसार में ही पैंतरा दिया, उस कर्म को फुल खेलने का अवसर मिल। बस तो कौवा तीर चलावे, वो प्रसुप्त संस्कार थे कर्मों के, वो खड़ा सटासट कामयाब होने लगते हैं, घटित होने लगते हैं, वो तीर मारने लगते हैं। त्यों त्यों चित वृत्ति और भड़कती है। पेड़ चढ़ मछली फल खावे, बकुला भोग लगावे, ठगनिया क्या नैना झमकावे। पेड़ चढ़, इस पेड़ पे मछली कैसे चढ़ेगी। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनि सब प्रवीणा। अब तक जो भक्ति रूपी रस में मन मछली था, मन का जीवन भक्ति ही रस था, मछली को बाहर करो पानी से तो क्या होगा, मृत्यु। अब तक भक्ति जिसका जीवन था, भक्ति रूपी रस में मन मछली था, लेकिन चित पलट के माया में पैंतरा भासता है। कर्म जहां ऐसा होते ही तो कर्म को खुल खेलने का अवसर मिल गया, तीर चलने लगा। ता फिर घर तो छूटी गया, वापस मिलने वाला नहीं। अब वो बक ध्यानी प्रवृत्ति जागृत हो गई, और पेड़ चढ़ मछली फल खावे और बकुला भोग लगावे। अब वही मन जो भक्ति रूपी रस मछली था, अब संसार विटप न मामी है। संसार एक वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलम मदह शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेदसः वेदवित्। ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति जिसकी शाखा पर सखा है, संसार एक वृक्ष है। और जो भक्ति रूपी रस में मन मछली हो रहा था, वो इस संसार के टहनियों में संसार रूपी वृक्ष में फल ढूंढने लगता है। अब तक तो निष्काम कर्म था, अब कामना यही फल प्राप्त करना चाहता है। जब संसार में कोई ठोस चीज तो होती नहीं, जो कुछ होगा क्षणिक होगा, इसलिए बकुला भोग लगावे। अब बस केवल ऊपर से तो साफ सुथरा और भीतर से बकध्यानी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। साधु देखे में ठीक नहीं है, कहीं कुछ मिलेगा माल पानी तो चौंक जरूर चली जाएगी, जरूर वो फिसल जाएगा।
क्योंकि कर्म का तीर चलाने का अवसर मिल गया, कर्म कार्य करने लगा। अगले पद में कहते हैं, जब संसार वृक्ष में ही, संसार में ही कल्याण ढूंढने लगा, फल ढूंढने लगा, तब बकध्यानी प्रवृत्ति आ गई। ऊपर से तो ठीक ठाक, ऐसी अवस्था में उस साधक को, इस भ्रम में पड़े साधक को केवल एक चीज अच्छी लगती है कि भैंस पद मनी चूहायासिक मेढक ताल लगावे। भ्रम ही भैंस है। आप जो भ्रम, संसार की भ्रांतियां हैं, उसी में पदमनी, वो ही भ्रांति ही सर्वश्रेष्ठ लगने लगती। पदमनी नारियों में सबसे सुंदर थी अपने युग जमाने में, उससे बढ़िया सौंदर्य था ही नहीं। तो भैंस ही, भ्रम ही सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुंदर, भ्रम की विचारधारा सबसे सुंदर, कल्याणकारी दिखाई देने लगती उसको। क्यों? कि कर्म को खुल खेलने का मौका मिल गया, मन भक्ति रूपी रस में था, वो इस पेड़ में संसार में फल ढूंढने लगा। तब फिर भ्रम ही पदमनी, भ्रम पूर्ण विचार है, वही सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी लगने लगते हैं। तो भैंस पदमनी चूहा से, चित ही चूहा है, वो उत्तरोत्तर उसमें आसक्त होता जाता है। मेढक ताल लगावे, और मन वे मेढक है, ये समय समय टर टू ताल लगाता रहता है, क्षण में सदवाई बताई, क्षण में वो कारोबार। और छतुरी चढ़ के मकड़ी नाचे, झिंगुर बंध लगावे ठगनिया, क्या नैना जमकावे। जहां इतना गिरावट आई तो माया रूपी मकड़ी सिर पे चढ़ के अपना जाला बुन देती है और डांस करने लगती है दिल खोल के। छतुरी चढ़ के मकड़ी नाचे, माया ही मकड़ी है, तो के घेरले बाटे माया जैसे जाला मकड़ी। महापुरुषों ने इस मकड़ी के जाले को माया की संज्ञा दी। अब ये जब भ्रम ही, भ्रम पूर्ण विचार ही कल्याणकारी दिखाई देने लगा, ऐसी अवस्था में माया सिर पे चढ़ के अपना ताना बना बुन देती है और खुला डांस करने लगती है। और बकुला छतरी चढ़ के मकड़ी नाचे, झिंगुर बंद लगावे, और तमाम झंझट रूपी झिंगुर बंद लगा देते। किस्म किस्म की झंझट उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अब बचा क्या सदुआई में, कि चोलना पहन के गधा नाचे, ऊंट विषन पद गावे। वेशभूषा तो संत का है, चोला तो ठीक पहना है, लेकिन है गधा। गधा जड़ता का प्रतीक है, रावण के सिर में, सिरों में एक सिर गधे का भी था, मूढ़ता का प्रतीक है। चोला वेशभूषा तो ठीक है, लेकिन है गधा पूरा, और पक्का डांस करता है, कभी इधर फ्रेम रचेगा, कभी उधर रचेगा, कभी वो योजना बनाएगा, कभी कल्याण करने के लिए शिविर खोल देगा, कभी पत्रिका निकालो, कुछ न कुछ करता ही रहेगा। ये खाली है गधा, मूर्ख, स्वयं जड़, देने लायक उसके पास कुछ नहीं, फिर भी डांस बड़ा लंबा करेगा। हम गए, चले गए थे दिल्ली, तो एक महात्मा थे ब्रह्मांड गुरु, मेरे वाक्य को गलत बताए, उसको 1,00,000 रुपया इनाम, किताब लिखी थी, किताब हमें मिली। हम बोले पहले पूछ लो कपड़ा अपड़ा पहने का है कि नहीं, कि 1,00,000 रुपया इनाम दे। हम फालतू चोलना पहन के गधा नाचे, थोथा चना और बाजे घना। वो कुछ नहीं जानत रहा, और आत्मा हूं ब्रह्म हूं यही सब लिखा हुआ था उसमें। तो चोलना पहन के गधा नाचे,
ऊंट विषण पद गावे। बाहर से तो बढ़िया डांस करता है, साधु साधुता की प्रदर्शनी लगा के खड़ी कर देता है, लेकिन ऊंट विषण पद गावे। ऊंट उर का प्रतीक है, उर में विषण कहते हैं आदत को, किसी को व्यसन है अफीम खाने का, गांजा पीने का। व्यसन तो व्यसन माने हैबिट होती है। हृदय तो विषण व्यसन पद गावे, किसी ने किसी प्रकार का सांसारिक व्यसन पड़ा है, हृदय तो वहां व्यसनों का पद गा रहा है। क्यों, जब भ्रम ही पदमनी है, भ्रमपूर्ण विचार ही श्रेष्ठ लगने लगे तो जिद वही व्यसन। कहत कबीर सुनो भाई संतों, संत कबीर कहता संतों ध्यान से श्रवण करो, बचने का केवल एक कुंजी है। इस माया से बचने का, मैं तो बच गया, लेकिन सबके बचने का केवल एक मार्ग है। तो कहत कबीर सुनो भाई संतों, सदगुरु शरण बचावे ठगनिया क्या ने ना झमकावे। सदगुरु शरण बचावे तो द्वार धनी के पड़ रहे, धका धनी का खाय, कबहुक धनी निवाजी है जो दर छाड़ी न जाए। उस धनी माने मालिक, मालिक के दरवाजे में पड़े रहो, लेकिन मालिकी है तो धक्का मिलेगा। महाराज जी नाराज होते बोले, बांध बिस्तर भाग यहां से, तुर बाप का मां के लाया रहा, भोजन करे बैठ गया थरिया लेके। कभी कभी बगैर भोजन किए भगा दे, लेकिन जाए कहां, दहने बाएं पड़ा रहे, फिर शाम भरे में चल आवे, एक उपवास तो हो जाए। दाल का चूका बंदर और पंगत का चूका साधु, दूसरे ही दिन अन्न से भेंट होती है, और आश्रम में एक ही मीटिंग भोजन बनता रहा, वो टाइम तो थरिया ही खिंच गई, शाम को होता ही नहीं था। दयालु वो बहुत रहे, जब खुश हो जाए 15-20 मिनट में, तो बोले रे गुड़सुड़ दे रे, ठीक है साथ, मैं 15 दिन में एक दिन उपवास जरूर करे का चाहिए, इसलिए इस पेट में जो मशीन है ना, ये पुराने कचड़े को जला देती है। उपवास करने पर मशीन तो बंद होगी नहीं, तो जो पेट में कचड़ा बचा उसको जला देती है, उससे और आरोग्य बढ़ता है, फिर रोग करीब नहीं आते। करे बैरागी लोग 24 एकादशी रहते, तू एको न रही हो, डांट फटकार भी की, कबो नाराजो हो जाए तू नाराज थोड़ी हो रहे थे, जानते थे कि एक आध दिन और इसको उपवास हुई तो भजन ठीक लगेगा। डांट पड़ गई, पेट में अन्न नहीं, भजन छोड़ के बचाई क्या, पश्चाताप के साथ लगा, इस स्मृति के साथ लगा, चिंता के साथ लगा तो भजन होगा। और तो धक्का धनी का खाए, महापुरुषों के दरबार में धक्का भी मिलता है, धक्का खाओ। कबहू के धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि निवारण हो जाएगा, तुम्हें अपने अपने धाम मिल जाएगा, यदि धक्का दुक्की में दरवाजा छोड़ के भाग नहीं जाओगे। महाराज कहें शरीरिया सिया पड़े रहले इसका हुई, कोई गिरस्त आवे अड़ जाए, बोले गुरु महाराज जाने का मन ही नहीं करता है, बोले अरे जाए का तो पड़बे करी, बिना गए बनबो न करी, लेओ फिर जाओ शरीरिया से कहीं रहो, मनवा से आवा जावा करो, सांजो बिहानो मोर रूपवा देखो, 2-4 मिनट रूपवा देख ले जाइए, वो दिन जेकर नाम भजन है वो तुम्हें मैं यहां बैठे बैठे दे दूंगा, तू पाओ जाइए, भजन हुए लगी। भजन कहने में नहीं आता, वाणी से व्यक्त करने में नहीं आता, भजन लिखने में नहीं आता, किताबों में है ही नहीं भजन, वो तो अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी किसी अनुरागी विरही साधक के हृदय में जागृत हो जाया करता है। इसलिए ऐसे सदगुरु की शरण ही इस माया से बचाता है। रे ठगनिया क्या नैना झमकावे, रे ठगने वाली नटनी अब क्या आंखें टेढ़ी मेढ़ी करती है, क्या दृष्टिपात करती है,
कबीरा तेरे हाथ में आवे। कबीर अब तुम्हारे चंगुल में फंसने वाला नहीं है। भगवत पथ में एक स्तर ऐसा भी आता है जहां पर माया रहेगी जरूर, किंतु भगवान का जहां वरद हस्त होता है तो करी न सकें तहां निज प्रभुताई, वहां अपनी प्रभुताई नहीं जमा सकती माया, वो नाचने वाली नटी मात्र है। ये सब उनके लिए है जो गुरु के सहारे अहर्निश सपना जो प्रतिज्ञावध होकर जो साधना में लगे रहते हैं, सेवा चिंतन में वो पा जाते हैं।